पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान मेरी धरती पर बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी हद तक कुर्बानियाँ दी कि साबिक रियासत बहावलपुर इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर जम कर दी गई। उसका नतीजा क्या मिला? हमें प्यार नहीं मिला, हमें प्यार मिलना चाहिए। आज भी हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं और एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करना इनके पसंद नहीं करते, मोहब्बत करते हैं। लेकिन खुदारा ऐसा काम ना किया जाए जो आपके साथ जो है बांग्लादेश वाला हुआ है। मेहरबानी करके 8 करोड़ सराय की अवाम के लिए सराकिस्तान सूबा बनाया जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल है, ये एक जानबूझ के एक जो है ना हमारी अजीम दर्शगाह के ख़िलाफ़ एक सोची समझी शरारत है, क्योंकि ये तारिक बशीर चीमा एंड कंपनी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं बहावलपुर में, और ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी नाकाम हो, यहाँ पे बच्चियाँ ना पढ़ सके, इसको इतना बदनाम किया जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तमाम से अपील है, बल्कि मतलबा करता हूँ मैं इनसे कि IB और
DPO ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और जो मुजरिम है इनको करारे सजा दी जाए। ये नहीं कि ये ताकतवर लोग हैं और ताकतवर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून, ये हम कभी नहीं बर्दाश्त करते। तारिक बशीर चीमा एंड कंपनी को गिरफ्तार करो। आई मुंह फेर लिया इस हवाले से PTI की गवर्नमेंट में। पाकिस्तान सराय की पार्टी ने 100 दिन का धरना जारी रखा और उसको कंटिन्यूटी में लाते हुए कराची में भी, और आज उसकी हमारी माँ है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौम हमारे भाई हैं। हम लसानियत की बात नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी पूरी कौम चाहती है, जो नज़रिया जो फलसफा हमारे कैद मोहतरम बरिश्ता ताज अमल लगा ने हमें दिया, जो उसने पनीरी लगाई, जिसको हमने अपने खून पसीने से पानी दिया और वो कद्दार उवर हुआ, और आज ये जितने हमारे नौजवान खड़े हैं ये उसका फल फूल है। और मेरे कैद दाऊद में आबासी सरेगी कौमी इतिहाद के जो बानी थे, मैं उसके मशन को लेकर चल रहा हूँ। लिहाजा हम बराबरी की बुनियाद पर, शनाख्त की बुनियाद पर सरेगी भाई, हम किसी से एक इंच ज़मीन नहीं लेना चाहते, ना एहसान लेना चाहते हैं किसी का। हमारा सूबा था, हमारा सूबा वाक गुजार किया जाए। जो काबिज लोग हैं सरेकिस्तान के, जो हकूक छीने जा रहे हैं, सरेकिस्तान के लोगों को बेघर किया जा रहा है, सरेकिस्तान की धरती पे गैर सरेकियों को वहाँ पर लाकर बिठाया गया है और सरेकी तमाम ज़मीनों पर उनके कब्ज़ा किया जा रहा है, और वही लोग आज सरेकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और वो जनूबी पंजाब की आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि हम जनूबी पंजाब को कंडम करते हैं, ख़त्म करते हैं और सरेकिस्तान का मुतालबा करते हैं। हमारा मुतालबा है ना कि बावलपुर ना मुल्तान, हमें सुबह सरेकिस्तान चाहिए, इंशाल्लाह और ज़रूर हमारा हक मिलेगा। बहुत अच्छी बात की, और जैसे कि कहा गया है कि बानी है सरेकिस्तान कैद बरेस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब, जैसे डॉक्टर कदीर खान को लाया गया, इसी तरह बरेस्टर साहब भी बरतानिया में लॉ डिपार्टमेंट में लेक्चर देते थे, और उसी तरह भुट्टो साहब के वो करीबी साथी थे, और 73 का आइन, और दोबारा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने तो लंगा साहब को उन्होंने पर्सनल मुशीर बना के, फरहतुल्ला बाबर को हेड बना के सराकी सूबे की उन्होंने जितनी काविश की मेरे ख़्याल में कम है। आज सदर आसिफ अली जरदारी, गिलानी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब वसेब सूबे की बात कर रहे हैं, वो जनूबी पंजाब की नहीं। इंशाल्लाह सब दोस्त जब हम एक होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। ये जो छोटी तंजीमें हैं ये भी मिल जाए, जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं, एक लय अमल पे अगर इलेक्शन अभी जल्दी नहीं हो रहा, टाइम है हमारे पास, हमें 15-20 दिन महीने में एक ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए तमाम तंजीमों की और तमाम रजिस्टर्ड पार्टियों की, ताकि पूरे वसेब की बात करें, एक लय अमल बना के इन पार्टियों के सामने रखें कि भाई हम किसी लॉलीपॉप पे नहीं, जैसे पहले आप लोगों ने बिल पास कराया सेनेट में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कौमी असम्बली में, फिर पंजाब में नवाज शरीफ वालों ने जो दो बिल सुबह बहावलपुर, जबकि वो सुबह नहीं था, रियासत थी, और रियासत अगर बहाल करते हैं तो हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, मगर हमें सुबह सरेकिस्तान चाहिए और 23 ज़िलों पर चाहिए, और इंशाल्लाह हम इसी तरह अब हर हफ्ते हर एतवार को एहतजाज करेंगे जब तक हमारी बात ऐवानों में। और मैं बिलखसूस इस वक्त के आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद आसिफ मुनीर से भी मुतालबा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि 8 करोड़ सरेकियों को हक दें। आप एक सैयद हैं, हाफिज़ कुरान हैं, आपके दिल में कुरान है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं कि सुबह सरेकिस्तान की करारदाद पास करें, जैसे कि मेजर पार्टियां अपने मफादात के लिए नैब कानून की तरमीम कर सकते हैं, अपनी असम्बलियां अपने मफादात के लिए अदालती तरमीम पास करा सकते हैं, तो सरेकी सूबे की भी करारदाद पास करें, जबकि तमाम